देखिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक तरीके से सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी की ही भूमिका है, और अगर वो उपलब्ध नहीं करा सकती है तो उसको एकदम साफ साफ कर देना चाहिए था, और राहुल गांधी से कह देना चाहिए था कि भाई आप अपनी निजी सुरक्षा से जाइए, हम आपको सुरक्षा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। और फिर ये जितनी किस्म की होती है, जेड सिक्योरिटी से लेके और जो भी सिक्योरिटी है, और वहां पर अब कहा जा रहा है कि 2500 लोगों को सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी, तो 2500 सुरक्षा कर्मी मिलकर के एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं दे सकते। जबकि राहुल गांधी जो है उनका कहना यह है कि भाई जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो वहां पर कहीं पर दिखलाई ही नहीं पड़ रहे थे, तो सीधा सीधा इस यात्रा को पॉलिटिकली सैबोटेज करने का मामला है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन मामला अकेले निंदा तक नहीं है भाई। जो लोगों की जिम्मेदारी भारत सरकार की सुरक्षा की है, और अगर भारत सरकार जो है इसके अंदर भी पॉलिटिक्स करने का काम करती है, तो फिर आप ये देखिए सरकारें तो बदलती रहती हैं, और सरकारें जो है जब बदलती हैं तो कोई भी सरकार जो है यही काम कर सकती है कि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के साथ में इसी तरीके की लापरवाही हो, तो ये बहुत ही बड़ा ये मसला है। और इसके अंदर जो है ये बात मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ अमरीश जी कि ये एक किस्म का पॉलिटिकल डिसीजन है कि इस यात्रा को मुकाम तक हमें नहीं पहुंचने देना, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो वो पहुंचे और चल रहे थे, और मैं ये नहीं मानता कि जनता की तरफ से कुछ हो सकता है। अब जो भी कुछ मामला है, और हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर लगातार जाते हैं या उसके ऊपर नजर रखते हैं, कि वहां पर एजेंसीज की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रादर हम ये कहा जाए कि एजेंसीज के बिना वहां पर पत्ता भी हिलता नहीं है, और अगर सब एजेंसी अलग अलग किस्म की एजेंसीज वहां पर काम करती हैं, तो मतलब सब एजेंसीज मिलकर के एक व्यक्ति की सुरक्षा या कुछ यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर भी एक बहुत गलत इससे मैसेज जाएगा कि हम अपने आप को इतना बड़ा मतलब सुपर पावर के तौर पर हम पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे 2500 लोग मिलकर के एक सुरक्षा कवच हम लोग तैयार नहीं कर सकते, या सुरक्षा के मामले में भी हम पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं, तो हम किस किस्म की डेमोक्रेसी हैं? ये भी एक सवाल बहुत ज्यादा बड़ा उठेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा रुकने वाली नहीं है, मतलब फिलहाल ठीक है, उसको रोका गया, वो ठीक किया गया, क्योंकि इसके अंदर इस मुद्दे के ऊपर कोई टकराव का मसला बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, याद दिलाना चाहिए दर्शकों को, हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि तीन तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने नजरबंद करके रखा था, इन्होंने पूरे इंटरनेट जो है उसको एक साल तक बंद रखने का काम किया था। तो अब जब वहां पर जो है जब जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ, देखिए मेरे को जितना अनुभव है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जम्मू मतलब कम से कम श्रीनगर के इलाके के अंदर, घाटी के अंदर जो है वो राहुल गांधी की सुरक्षा को कोई खतरा, जिन लोगों को खतरनाक माना जाता है उनकी तरफ से नहीं हो सकता। अब जो है ये बात एकदम क्लियर है, ये बात इसलिए एकदम क्लियर हम कह रहे हैं आपसे कि हम खुद जब वहां पर पत्थरबाजी जब हुई थी, 120 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, पत्थर के बदले में गोली चला रही थी जब वहां पर एक मतलब अर्धसैनिक बल या फौज के जो लोग थे पत्थरबाजों को निशाना बना करके, उस समय मैं गया था वहां पर, और उस समय जाने के बाद में जिस गांव के अंदर जो है 42 लोगों की हत्या हुई थी, जिस दिन ये सही साहब जो है महबूबा मुफ्ती जी के पिताजी जब देश के होम मिनिस्टर बने थे, तो उन्हीं के गांव के अंदर 42 लोगों की हत्या कर दी थी जो लोग वहां पर चरमपंथी लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन हमने वहां पर वैसी सभा की थी जाकर के, पूरी की पूरी घाटी के अंदर जो है, जिस तरीके से मतलब हम दूसरी जगह पर पूरे देश में सभा कर रहे थे, वो जो है हम लोगों का जो कार्यक्रम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन्म शताब्दी का, तो मैं ये मानता हूं कि वहां पर उस तरीके का खतरा नहीं। लेकिन षड्यंत्र जो है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र दो बार हो चुका है और बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, तो इसलिए कोई खतरा उठाने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमरीश जी सभी जो विद्वान पैनलिस्ट हैं वो जानते हैं कि हम तो जॉर्ज फर्नांडिस के जो है सहयोगी के तौर पर रहे हैं, जो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर के अंदर भी घूमते थे, जब वो इंचार्ज थे तब भी घूमते थे, और अपने घर के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं रखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये कहूंगा, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज
नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर ऐसी स्थिति के अंदर जब एक परिवार के साथ में इतने बड़े बड़े दो हादसे हो गए। और इसके लिए मैं सीधे सीधे केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी मानता हूं और इसके अंदर जो है सीधे सीधे जो है गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लैप्स है गृह मंत्रालय के का सीधा सीधा लैप्स आता है। जी जी अजय जी अपने को अनम्यूट करिएगा। अभी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी क्या है, एक सांसद ही तो है, वो उस परिवार से सांसद हैं दो प्रधानमंत्रियों को जिस परिवार ने खोया है, उस परिवार से सांसद हैं आजादी की लड़ाई में जिसका पूरा परिवार सालों जेल में रहा, वो परिवार किस प्रकार का परिवार है ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ इस समय किसी प्रकार का खिलवाड़ कम से कम बहुत ही गैर जिम्मेदाराना दिखता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।